नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज भारत के अंदर अलग अलग टोल प्लाजा से लेकर के हाईवे तक जाम किए गए, लेकिन हिसार शहर के अंदर इसका असर कहीं पर भी छोटी सड़कों के ऊपर देखने को नहीं मिला। लेकिन आपको बता देते हैं, इस वक्त मैं हिसार की रेड स्क्वायर मार्केट के बाहर मौजूद हूँ और ये पुल जो है कैंप चौक, आपको बता दें रेड स्क्वायर मार्केट से कैंप चौक को कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पर किसानों ने बीच के अंदर ट्रैक्टर लगा करके इस पुल को भी जाम कर दिया गया और भारी यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जमावड़ा लोगों का लग चुका है। किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है और ट्रैक्टर यहाँ पर अड़ा दिया गया है। हालांकि किसान जो है यहाँ पर लगातार बंद कर रहे हैं और लगातार इसको अभी जो है ट्रैक्टर यहां पर लगाया गया है और ये पुल जो है मुख्य तरफ से रेड स्क्वायर मार्केट को कैंप चौक से कनेक्ट करता है। हालांकि लगातार किसान एकता के नारे लगा करके यहां पर ट्रैफिक जाम कर दिया गया है। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। मुझे ये बताइए, हालांकि इन सड़कों को जाम करने की बात नहीं कही गई थी, लेकिन आज आपने मुख्य सड़क को हिसार के अंदर जाम कर दिया गया है। लोगों को भारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कितनी सहमति रखते हैं? सहमति तो मैम ये बात है, अभी पूरा भारत बंद था, ये बात आपको भी पता है, तो उसमें लोकल सड़क भी आ जाएगी और मेन रोड भी सारा बंद है, ये सब लोगों को भी पता है। तो इनको हमारा साथ देना चाहिए, यहाँ पे हमारे साथ खड़े हो गए, बल्कि ये हमारे साथ धक्का कर रहे हैं, तो ये कैसे किसान जीतेगा देश का? कल को ना इनको रोटी नहीं मिलेगी तो कौन बीजेपी देगी क्या रोटी इनको? अच्छा, मुझे ये बताइए कि सुबह से ही आह्वान किया गया था कि 6 बजे से बंद रहेगा, लेकिन आपने अभी फैसला लिया है, किसकी तरफ से आप लोगों को अभी आदेश दिया गया है? नहीं मैम, हमने हमारे सारे गांव में बंद करा क्या, रोड A to Z रोड बंद है। हम यहाँ पे कोर्ट के पास गए हुए थे तो यहाँ से भाई सारे रोड बंद होने चाहिए सार के, तो हम यहाँ पे आए हैं। आपसी सहमति करके बंद का ऐलान पहले से था और ऐसी कोई बात नहीं है, तकलीफ है आम जनता को, हम खुद इन भाइयों के साथ हैं कि जय जवान जय किसान, हम खुद इस चीज का है। कहीं ना कहीं जो है आम जनता भी इनका समर्थन करते हुए दिखाई दे रही है। आप मुझे ये बताइए कि अभी अभी आपको आदेश इसकी तरफ से मिला है कि यही जो पुल है वो जाम किया जाना चाहिए? मैम कोई आदेश नहीं है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोर्ट के बाहर भी हमने धरना लगा रखा है, ये सारा देश का हित है, इनको जानना चाहिए कि किसान देश के लिए एक मेन पार्ट है, तो ये है कि सारी मार्केट खुली पड़ी है, जबकि इनको बंद करना चाहिए। 27 तारीख है, भारत बंद है, फिर भी लोग समझते नहीं है। कि मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, एक नारा आया था, बेटी बचाओ, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे? मैं इनको कहूँगा जी, किसान नहीं बचाओगे तो अन्न कहाँ से लाओगे? तो जय जवान जय किसान। अच्छा ये बताइए, अब हाई कमान की तरफ से आदेश नहीं दिया गया है, युवा किसान होने के नाते आप लोगों ने यहाँ पर ये रास्ता जाम कर दिया गया है, कहीं बाद में आप लोगों की तरफ से यही सुनने को ना मिले कि युवा युवा किसान थे लेकिन हाई कमान ने नहीं दिया है, ये बताइए हाई कमान ने दे रखा है? किसकी तरफ से आदेश मिला है? वहाँ पे बैठे थे कोर्ट के सामने, ऑर्डर तो मिले यहाँ पे करो, भारत पूर्ण रूप से बंद करने का रखा, तो क्यों नहीं होगा, तो होगा सारा, तो होगा। बताइए इसके बाद कौन कौन सी सड़कें और हिसार के अंदर जाम करने की प्लानिंग है? कोर्ट का आगे बैठे हैं किसान, मैया टोल पे बैठे हैं, शाहपुर बैठे हैं। टोल और मुख्य सड़कों को छोड़ करके हिसार शहर के अंदर की जो सड़कें, उनमें से कितनी सड़कें अभी जाम करने की प्लानिंग है? क्या हो रही है ये मुख्य सड़क हिसार की, और तो कोनी होगी, या जाम है? कोर्ट का आगे बैठे हमारे ओडे बैठे हैं, ओडे तो मैया टोल पे ना जान दे ना साइड आने दे, ओडे बैठे हैं, तो यह सारी जाम होगी। मतलब कह रखा तो 27 ने भारत बंद है, तो सबने सहयोग देना चाहिए। मां में 10 महीने बैठे, मारा खुद खातर खुद कर दे, मारा खेत से किले हैं, माँ तो ओडा तो ले लेंगे अनाज, इब जो है जिसका किले नहीं खेत नहीं वो कड़ा तो ले आऊंगे, इब बाजरा देख लो कितना महंगा भी क्या है इनका, ओडा तो उसमें तो ले सौरूमत है क्या रुपये किलो, मारा 20 बिक जाए 21 बिक जाए ज्यादा देख ले, तो आग कड़ा तो खाऊंगे मामले। तो कितने बजे तक ये पुल जो है जाम किया गया है? जब तक 4 बजे तक है आदेश है, जब तक वहाँ तक नहीं खुलता जब तक यहाँ। अच्छा, अभी लोग जो यहाँ से आ रहे हैं, क्या रूट डाइवर्ट करने की आप लोगों ने कोई प्लानिंग की है या फिर पुलिस की तरफ से? पुलिस की तरफ से प्लानिंग है ये रूट डाइवर्ट कर रखा है, इस साइड को माउस साइड को जाओ। अच्छा, इमरजेंसी व्हीकल भी निकाल रहे हैं, किसी को इमरजेंसी है उसको भी निकाल रहे हैं, और वैसे ये जिद्दी बांधा गए तो जी फिर तो हम भी निकाल। अच्छा, अभी तक जितने लोग यहाँ से आए हैं, क्या वो लोग आप लोगों से जिद कर रहे हैं कि उनको आगे जाने दिया जाए? कोई जिद नहीं कर रहा जी, सभी हमारे समर्थन में है, एक आधा तो वही बात है भीड़ में, दो चार तो आए करे जी, बाकी सारे हमारे सहयोग में है। अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पर लोग जिद करते हुए नजर आ रहे थे कि आगे जाने दिया जाए, तो आप उनको किस तरीके से समझा रहे हैं?
हम ये समझा रहे हैं मैम उनको, देखो हम भी 10 महीने से बैठे हैं बिल्कुल शांति से, तो आज एक दिन के लिए क्या हमारा आप समर्थन नहीं कर सकते? तो उनको बताया गया कि आप यहाँ से डाइवर्ट रूट है जो उससे जा सकते हो। ठीक है, एक बार आपको आगे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आगे जा करके ये देखिए, ये कैंप चौक का पुल है जो हिसार का मुख्य पुल माना जाता है। हालांकि तस्वीरों के अंदर आपको दिखाना चाहेंगे कि रेड स्क्वायर मार्केट से ये पुल जो है कैंप चौक को जोड़ता है। किसानों ने यहाँ पर ट्रैक्टर अड़ा करके ये मुख्य पुल जो है जाम कर दिया है। हाथों में झंडा लेकर के युवा किसान यहाँ पर मौजूद है। हालांकि काले रंग का ट्रैक्टर यहाँ पर लगाया गया है और अलग से जो है स्पीकर भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि रेड स्क्वायर मार्केट से कैंप चौक की तरफ जाते हैं तो चढ़ाई करते हुए पुल जाम किया गया है। हालांकि दूसरे साइड का पुल जो है जाम नहीं किया गया है, जो कैंप चौक से लोग आ रहे हैं रेड स्क्वायर मार्केट की तरफ वो लोग उसी तरीके से आ रहे हैं। लेकिन ये वाला ट्रक जो है जाम कर दिया गया। आप मुझे ये बताइए कि कितना समर्थन करते हैं इनका? बिल्कुल समर्थन नहीं करते, क्यों खाम खा के वो करवाओ, दुश्मनी ले कौन मोन लें से बात है। और सिर्फ 12 बंदे बैठे हैं और पूरे सभी को लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, जब नौकरियों वाले हों उनको रोक रहे हैं, अच्छे थोड़ी लगता है ये। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है मुझे नहीं लगता कि हाई कमान की तरफ से युवा किसानों को ये आदेश दिया गया है कि हिसार के अंदर की मुख्य सड़कें जाम की जाए इस तरीके से ट्रैक्टर अड़ा करके। लेकिन ये अपने कहीं ना कहीं अपने खुद की जिम्मेदारी लेते हुए ट्रैक्टर अड़ा करके यहाँ पर जाम करके बैठे। कुछ लोग वहाँ पर पीछे मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं जो रूट डाइवर्ट किया गया है इनको परेशानी कितनी हो रही है। हालांकि तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं हम लोग, वो सीधा मैं आपको हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट से दिखा रही हूँ, जहाँ पर एक ट्रैक्टर जो है झंडा लगा करके यहाँ पर रख दिया गया है। अलग अलग लोग यहाँ पर बैठे, मुझे ये बताइए कितना समर्थन कर रहे हैं इनका? बहुत ज्यादा समर्थन कर रहे हैं हम तो इनका। हाँ, समर्थन फुल समर्थन है, वो समर्थन कर रहे हैं जी। अच्छा, इन लोगों को यहाँ पर परेशानी नहीं हो रही है जो आ रहे जा रहे? हो रही है, परेशानी क्यों नहीं हो रही है जी? आप क्या यहाँ से आते जाते रहा की रही है, इनके साथ आए हैं? ना ना, हम तो यहीं है जी। यहीं जी, यहीं है। क्या कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है? मुझे ये बताइए कि परेशानी हो रही है रोड जाम करने की वजह से? हो रखी है परेशानी तो, लेकिन समर्थन कर रहे हैं। क्या बताए, किसान लोग हैं। ये देखिए एम्बुलेंस जो है अभी अभी यहाँ से गई है, हालांकि रास्ता दे दिया गया है। लेकिन युवा किसानों की बात की जाए तो ज्यादा संख्या किसानों की नजर नहीं आ रही है। हालांकि अपना खुद का रवैया अपनाते हुए युवा किसान जो है थोड़ी सी संख्या में यहाँ पर बैठ चुके हैं और पूरा का पूरा पुल जो है जाम कर दिया गया है। यहाँ से आने जाने वाले व्हीकल जो है उनका रोड डाइवर्ट कर दिया गया है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। हालांकि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है वो भी पूछ लेते हैं। सर मुझे ये बताइए, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी बहुत ज्यादा हो रही, क्या करें, किधर जाएं बताओ। अच्छा। आप इस चीज का कोई ना कोई सलूशन निकालो आप, तो फिर भी मतलब इस चीज के बारे में मतलब वो। हाँ। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। आप मुझे ये बताइए कि अभी सुबह से यहाँ पर रूट जाम नहीं किया गया था, लेकिन युवा किसानों ने आकर के खुद यहाँ पर रोड जाम कर दिया, कितनी सहमति रखते हैं? सहमति है जी, ये किसानों की बात नहीं मान रहे थे, किसानों को तो इससे ज्यादा भी करना चाहिए। सहमति है, बिल्कुल सहमत है हम इनके साथ है। अभी आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है रूट डाइवर्ट? कोई परेशानी है तो इससे तो आगे जो परेशानी है वो आज भुगत लें वो ज्यादा अच्छा है जी, जो फ्यूचर में होने वाली है, प्रेजेंट में कर लें तो अच्छा है। ठीक है, ये देखिए अभी अभी जो है यहाँ पर किसानों ने रोड जाम कर दिया है। वही दूसरी साइड का रोड जो है कैंप चौक से रेड स्क्वायर मार्केट की तरफ जो पुल आता है वहाँ से यातायात आ रहा है, लेकिन इस साइड से जो है भारी ट्रैफिक जाम हो चुका है और रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। हालांकि ये रूट डाइवर्ट जो है एलिट सिनेमा की तरफ से किया गया है। हालांकि आपको बता देती हूँ, इस तरफ से अगर आप लोग जाना चाहते हैं रेलवे स्टेशन की साइड से तो जा सकते हैं, रेलवे रोड की साइड से आप लोग जा सकते हैं। हालांकि पुल से नहीं जाने दिया जा रहा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि हिसार के अंदर पहला ऐसा रोड जाम किया गया है, पहला ऐसा पुल जाम किया गया है, वो भी युवा किसानों के द्वारा। हालांकि यहां पर कुछ लोग जो है बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी देख लेते हैं जा करके क्या कुछ बातचीत जो है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि इनको समझाते हुए लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन मानने को नाम नहीं ले रहे हैं। मुझे बताइए कितनी परेशानी हो रही है, समर्थन कर रहे हैं? कोई नहीं, समर्थन में है, हम इनके समर्थन में है, कोई बात नहीं, तो ये कर रहे हैं ठीक है। देखिए हाथ
हाथ जोड़ करके अपील की जा रही है। ये देखिए हाथ जोड़ करके युवा किसान भी यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से। हालांकि भारी ट्रैफिक जाम जो है यहाँ पर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी युवा किसान जो है इन लोगों को आगे नहीं जाने दे रहे। हिसार के अंदर का पहला ऐसा रोड है जो युवा किसान ने आज भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से 4 बजे तक के बीच के अंदर ये किया है। हालांकि इसको कैंप चौक पुल का नाम दिया जाता है, लेकिन जो रूट है वो डाइवर्ट कर दिया गया है एक ट्रैक्टर यहाँ पर लगा करके और पूरा रोड यहाँ पर जाम कर दिया गया है। लोग जो है लगातार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। सर जी, 1 से 2 रसम पकड़ी है, वहाँ जाना है। तो मेरे ख्याल से सर आपको जाने दिया जाएगा, एक बार आप यहाँ पर बात कर लीजिए, ठीक है। आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किन किन लोगों को जो है जाने दिया जा रहा है, किन किन लोगों को जो है यहाँ से जाने दिया जा रहा है। जो भी कोई एम्बुलेंस है, कोई अर्जेंट काम से जा रहा है, उसको जाने दिया जा रहा है। आशीष लावर जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आशीष जी मुझे ये बताइए, हिसार के अंदर पहला ऐसा रोड है जो किसानों ने आज जाम किया है। हालांकि बाहर के आउटर रोड जाम कर दिए गए हैं, लेकिन हिसार के अंदर का पहला रोड जाम किया गया है, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत है, बाकी किसानों का रोष अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल मैं समर्थन में हूँ उस चीज़ के। परंतु शहर के ऐसे जो लाइफलाइन कहे जाने वाले रोड है, अब जैसे मेरी सिस्टर खुद हॉस्पिटल में एडमिट है, सर बोलते हॉस्पिटल में, तो मुझे अभी जाना तो नहीं जाने दे रहे, तो क्या इलाज है इस चीज़ का। बाकी मेन रोड जो है, हाईवे है, उनको बंद किया जाए, जो शहर के लाइफलाइन रोड है उनको बंद करना गलत है। ठीक है, अगर आपको जाना है तो मैं बात कर सकती हूँ इनसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड रुकिए सर, यहाँ पे इनको, ये हमारे मीडिया से है, इनको अपनी सिस्टर का हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, इनको जाने दीजिए। मीडिया वालों को जाने दिया जा रहा है, ये रास्ता रहा टू व्हीलर को, जिसे भी अर्जेंट काम है। सर प्लीज आप जाइए, इनकी सिस्टर हॉस्पिटल के एडमिट है, इसको इनको जाने दिया जाए प्लीज। ये देखिए जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और जो इनकी सिस्टर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, इनको जाने दिया जाए। इनकी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल के अंदर जो एडमिट है जिनकी रसम पकड़ी है उनको जाने दिया जा रहा है। हालांकि CID भी यहां पर पहुंच चुकी है, आपको बता देते हैं CID की तरफ से रेगुलरली रिपोर्ट दी जा रही है। सर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ज्यादा मुश्किल हो रही है, ये कानून व्यवस्था को हाथ में लेना उचित नहीं है इनके लिए। रसम पकड़ी के लिए जा रहे हैं आप लोग? चलिए मैं आपको रास्ता दिलवाती हूँ, आप आगे आइए, इनको जाने दिया जाए, रसम पकड़ी के लिए जा रहे हैं। देखिए कुछ लोग जो है अर्जेंट काम से जा रहे हैं, जरूरी काम से जा रहे हैं, तो मीडिया वालों का भी हक बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उनको जाने दिया जाए। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे परिजन जो अस्पताल के अंदर एडमिट होते हैं उनके पास जो है हमारे सिवा कोई नहीं होता, अगर हम लोग ही उनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हालांकि मीडिया की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को जाने दिया जाए, लेकिन आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच जो है अब ट्रैक्टर खड़ा कर दिया गया है। हालांकि इधर से उधर जो है ट्रैक्टर अड़ाया जा रहा है। सर समर्थन में है या मुश्किल हो रही है? मुश्किल सहन करेंगे कुछ तो, देश के ज्यादा मुश्किल से सहन करने से अच्छा भी मुश्किल सहन कर ले। हाँ, क्योंकि देश बर्बाद होने की कगार पे और ले जा रखे, कहीं जो आंदोलन कर रहे हैं उनका मान लो साथ मिलके समर्थन नहीं दे सकते, तो उनको आंदोलन को दूर से अपना समर्थन कर सकते हैं, थोड़ी मुश्किलात आती है उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर युवा किसानों की बात की जाए तो आपको बता देती हूँ कि युवा किसान जो है बहुत ही अच्छे से कमान संभाले हुए हैं। एक बार चाहूंगी कैमरामैन से कि इनको जूम करके दिखाए कि किस तरीके से जो है हाथ जोड़ करके युवा किसान लगातार अपील कर रहे हैं कि यहां से मत जाइए, आप लोग आपके आने वाले भविष्य के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, आज आप थोड़ी सी तकलीफ उठाएंगे तो आगे जा करके हो सकता है कि हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ ना उठानी पड़े, इसीलिए आज यहाँ पर ये रोड जाम किया गया है। हालांकि हिसार के अंदर पहली ऐसी सड़क है जो जाम की गई है, हिसार की लाइफलाइन कहलाई जाने वाली ये सड़क है जो हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट को कैंप चौक से जोड़ती है, इसे बंद कर दिया गया है। इसे कितना समर्थन दे रहे हैं आप और यहाँ पर इतना भारी ट्रैफिक जाम हो गया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।